करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इफ़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो, मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और उसने जो चला उसकी जो डिस्टेंस हमें दे रखी है, हमें क्या दे रखा है, उसका डिस्टेंस हमें दे रखा है ज़ीरो, तो हमें बताना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला ऑप्शन ज़ीरो, दूसरा ऑप्शन है नॉट ज़ीरो, थर्ड ऑप्शन है नेगेटिव, फोर्थ ऑप्शन है मे बी एंड मे नॉट बी ज़ीरो। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा बताएं। ऑब्जेक्ट चलना, देखो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, ए आएगा इसका आंसर, ज़ीरो। क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस क्या होती है, पाथ कितना ट्रेवल किया उसने, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक बी पॉइंट तक वो कितना चला, वो हमारा डिस्टेंस होता था, और डिस्प्लेसमेंट होता था इन दोनों पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन। जब वो चल, डिस्टेंस ही उसका ज़ीरो हो गया, मतलब वो यहाँ से तो हिला ही नहीं अपनी जगह से, जब वो अपनी जगह से मूव नहीं किया, डिस्टेंस ही हमारा ज़ीरो आ गया, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या होगा, ज़ीरो। तो इसका आंसर आएगा ए, दैट इज़ अ ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर सुनिएगा पहले अच्छे से। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड बाय, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कब कब चेंज हो सकती है। पहला ऑप्शन उसकी स्पीड चेंज करने के कारण, दूसरा डायरेक्शन के कारण, तीसरा चेंजिंग बोथ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ मोशन। अब दोनों सुनिएगा इसका आंसर। जैसे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है वो इधर चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, अगर मैं इसमें डायरेक्शन नहीं बताता हूँ तो ये एक स्पीड कहलाती है। अगर जैसे ही उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, इधर जाने लग गया वो 3 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जाने लग गया 3 मीटर पर सेकेंड से, क्या चेंज हुआ, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई। इसका मतलब अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है। यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव ले रहे थे हम, अपोजिट डायरेक्शन में मुझे नेगेटिव लेनी पड़ेगी, ठीक है। पहली चीज़, मतलब क्या चेंज हुआ, स्पीड तो नहीं चेंज हुई, स्पीड तो वही थी 3 मीटर पर सेकेंड, बस डायरेक्शन चेंज हुई, और डायरेक्शन चेंज होने के कारण मेरी वेलोसिटी चेंज हो गई। तो यहाँ पर आप दोनों को यूज़ करेंगे, अगर आप इसको 3 की जगह 4 मीटर पर सेकेंड से दौड़ा देते आगे जाके, तब भी इसकी स्पीड में चेंजेस आया था, इसका मतलब वेलोसिटी में भी चेंज आया। तो चेंजिंग बोथ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन भी करेक्ट है, ओनली डायरेक्शन में चेंज आए वो भी करेक्ट है, और सिर्फ किस में चेंज आए, स्पीड में चेंज आए वो भी करेक्ट है। तो कौन से ऑप्शंस करेक्ट आ गए, ऑल ऑप्शंस आर द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ गर्ल स्विम इन अ स्विमिंग पूल ऑफ अ लेंथ दैट इज 100 मीटर, सी स्विंग वन एंड टू अनोदर एंड एंड रीचेज द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन इन 2 मिनट्स, वॉट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ स्विमर। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें बिल्कुल, फिर उसका आंसर बताने की कोशिश करना, पहले इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। जैसे हमारे पास एक पुल, हमने यहाँ पर मान लिया कि आपके पास पूरा एक पुल है, और इस पुल के एक कॉर्नर से गर्ल ने स्विम करना स्टार्ट किया। इस पुल की लेंथ आपको दे रखी है 100 मीटर दे रखी है, ठीक है। यहाँ से गए वो इस डायरेक्शन में, और 2 मिनट के बाद वो वापस कहाँ आ जाती है, उसी जगह पर आ जाती है, रीचेज द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। कितना टाइम लिया इन्होंने वापस आने में, 2 मिनट लिया। हमने जब वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया था, तब हमने आप लोगों से कहा था कि जब भी वेलोसिटी पूछी जाए तो आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट पर फोकस करना है। अब देखो यहाँ से चलना स्टार्ट किया था और 2 मिनट के बाद वो वापस उसी पॉइंट पर आ गया, तो इस केस में जब डिस्प्लेसमेंट, तो आपका ज़ीरो ही हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपके पास, ज़ीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट अगर आपके पास ज़ीरो हो गया है तो एवरेज वेलोसिटी भी आपके पास क्या आएगी, इस केस में ज़ीरो। चलते हैं अब। अ कार इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, इट्स एक्सेलरेशन आफ्टर 1 आवर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें एंड सोल्व करें कि एक कार है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है इसकी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब आप क्या लिख सकते हैं, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ये चल रहा है,
कांस्टेंट वेलोसिटी से जब चलेगा तो इसकी वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जब कोई चेंजेस नहीं आता है तो उस केस में हमारे पास इसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा? जीरो। उन्होंने क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछा है, उन्होंने ये नहीं पूछा कि स्पीड कितनी रहेगी या वेलोसिटी कितनी रहेगी। तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? जीरो। आंसर इसका 40 किलोमीटर पर आवर नहीं आएगा, इसका आंसर एक्सेलरेशन पूछा गया था उसका आंसर जीरो आएगा। इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? 40 किलोमीटर पर आवर। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो दोनों वेलोसिटी जब सेम रहेगी तो एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा? जीरो। नेक्स्ट, अ बर्ड इज सिटिंग ऑन अ ट्रेन ए मूविंग टूवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। इस तरफ आपकी बर्ड है जो कि एक ट्रेन पर बैठी हुई है। किस स्पीड से ट्रेन जा रही है? ईस्ट विथ अ वेलोसिटी ऑफ अ 30 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। इसके ऊपर जो बर्ड बैठा हुआ है वो है आपका 30 किलोमीटर पर आवर, ये 300 किलोमीटर पर आवर, सॉरी, वेस्ट डायरेक्शन में। वेन द ट्रेन आर 6 किलोमीटर अपार्ट, दोनों ट्रेन की इस इंस्टेंट पर दोनों ट्रेन के बीच का डिस्टेंस है 6 किलोमीटर। द बर्ड स्टार्ट फ्लाइंग विद द वेलोसिटी ऑफ अ 30 किलोमीटर पर आवर विथ रेस्पेक्ट टू अ ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ना स्टार्ट करती है, किसकी तरफ? बी की तरफ। आफ्टर टचिंग द बी, अब ये जब दौड़ती है तो इस तरह से दौड़ती है कि यहाँ से सीधी ऐसे जाएगी और बी वाली ट्रेन को टच करती है और वापस आती है कहाँ पर? ए पर। ये अपना प्रोसेस कंटिन्यूअसली रिपीटिंग दिस प्रोसेस अंटिल द ट्रेन कोलाइड। ये अपना प्रोसेस कब तक करती रहेगी? जब तक ट्रेन, दोनों ट्रेन टकरा नहीं जाती हैं। तो वो डिस्टेंस पता करो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बर्ड, कि बर्ड ने कितना डिस्टेंस चला, कितनी बार वो इधर गया, कितनी बार वापस आया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। मतलब दोनों ट्रेन जो चल रही हैं उनकी स्पीड आप ले सकते हैं V1 और V2, दोनों के स्पीड आपके पास है 300 किलोमीटर पर आवर, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 6 किलोमीटर। तो ये कंफर्म है कि जो बराबर स्पीड से अगर चल रही हैं तो किस पॉइंट पर आकर ये टकराएंगी? जब इनका डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेंगे दोनों? 3 किलोमीटर। उस कंडीशन पे ये दोनों टकरा जाएंगी। कितना टाइम लगेगा भैया टकराने में वो देख लेते हैं हम, क्योंकि जितना टाइम इनको टकराने में लगेगा तभी तक तो चिड़िया उड़ेगी, उसके बाद तो चिड़िया उड़ ही नहीं रही। तो टकराने का टाइम आप निकाल सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वलेंट टू अ डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम निकाला आपने, डिस्टेंस अपॉन वेलो, डिस्टेंस अब 6 किलोमीटर नहीं आएगी, डिस्टेंस अब लेंगे हम 3 किलोमीटर, क्योंकि आधा ही तो दौड़ेगी एक ट्रेन। और स्पीड कितनी हो गई? इस दौड़े हैं एक आपके कमरे के दूसरे कोने से, एक दूसरे कोने से, और बी, जब दोनों बराबर स्पीड से दौड़ोगे तो कहाँ पर आकर टकराओगे? बीच में टकराओगे या किसी एक ट्रेन के पास में जाके टकराओगे? बताओ, क्योंकि दोनों की जो स्पीड है वो बराबर है। अगर किसी की स्पीड ज़्यादा या कम होती तब हम बात करते किसी अलग पॉइंट पर टकराने की, लेकिन जब दोनों ट्रेन की स्पीड हमारे पास सेम है तो बिल्कुल बीच पॉइंट पे आके ही वो टकराएगी। तो उसका डिस्टेंस, तो ये वाली ट्रेन कितना किलोमीटर चलेगी? 3 किलोमीटर, ठीक है। और वो वाली ट्रेन भी कितना चलेगी? ओनली 3 किलोमीटर ही चलेगी। तो कितना टाइम लगेगा? क्योंकि हमसे बोला गया है क्वेश्चन में कि ये चिड़िया तब तक उड़ेगी जब तक ये दोनों टकरा नहीं जाती। तो कब तक नहीं टकराएगी? हम टाइम निकाल लेते हैं। 3 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस है और 300 किलोमीटर पर हावर आपका स्पीड है, तो इससे कैंसिल आउट करोगे तो 1/100 किलोमीटर हावर आ गया, टाइम आ गया 1/100 hours। ये वो टाइम है जिसके पहले तक चिड़िया उड़ेगी, उसके बाद चिड़िया उड़ना बंद कर देगी। अब देखते हैं चिड़िया इस टाइम में कितना उड़ सकती है, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर सकती है, वो देखते हैं। तो वही सेम फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वलेंट टू अ डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, स्पीड है हमारे पास, टाइम है, कौन उड़ रहा है? चिड़िया का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो चिड़िया की स्पीड कितनी दे रखी है? 30, और टाइम कितना दे रखा है? 1/100। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया 3/10 किलोमीटर। अगर इसको आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं
तो 3000 बन जाएगा और नीचे 10 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 300 मीटर। मतलब ये चिड़िया कितना मीटर तक दौड़ लगाएगी, 300 मीटर तक की दौड़ लगाएगी। बस स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इक्वलेंट टू, अगर हमें कोई एक ग्राफ दिया हुआ है और वो ग्राफ किस किस के बीच में है, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ आपको दिया हुआ है और उसका स्लोप आपको निकालना है, तो वो स्लोप किसकी इंफॉर्मेशन देगा, वेलोसिटी की, स्पीड की, एक्सेलरेशन की, नन ऑफ दिस। इसका आंसर आएगा स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बोलो। आवाज नहीं आ रही बेटा मेरे पास। हाँ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है हमारे पास, क्या देगा? स्पीड ऑफ द वेलोसिटी, स्पीड ऑफ द बॉडी भी आंसर आएगा। अगर यही ग्राफ आपके पास वेलो डिस्प्लेसमेंट टाइम होता, डिस्प्लेसमेंट और टाइम वाला अगर हमारे पास ग्राफ होता तो यह हमें वेलोसिटी देता, ठीक है, और यही ग्राफ अगर वेलोसिटी टाइम का होता तो हमें यह एक्सेलरेशन देता। तो ये चीज़ आपको नोट्स में भी लिखवाई गई है कि किस स्लोप किस तरह का ग्राफ बना हुआ है तो उसका स्लोप क्या देगा। एक बार फिर याद कर लें, डिस्टेंस टाइम अगर है तो स्पीड देगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो वेलोसिटी देगा, एक्स और वेलोसिटी टाइम है तो वो एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास यहाँ पर बनाकर दिया हुआ है और जिसमें से मल्टीपल चॉइस भी करेक्ट हो सकते हैं, हो सकता है वन ऑप्शन भी करेक्ट हो। तो फर्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड करेक्ट। तो आपको सबसे पहले यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, डिस्टेंस भी निकालना है और एक्सेलरेशन भी निकालना है और वेलोसिटी के बारे में भी बताना है। तो देखो, सबसे पहले अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है तो क्या मतलब, इसको आप ये बोल सकते हैं क्या कि जो डायरेक्शन है, वेलो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट है क्या? एक एक करके इसके सारे डेटा को सोल्व करो, देखिए कौन कौन से इसका करेक्ट आंसर आता है। सबसे पहले तो आप डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का क्या तरीका है कि अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दिया हुआ है तो उसका एरिया निकाल कर, उसका जो एरिया होगा वो आपको डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर जो ट्राइंगल बन रहा है, इस तरह से दो ट्राइंगल मान लें, एक ये रहा हमारे पास फर्स्ट और एक ये रहा, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 1/2, या फिर आप पूरा एक ट्राइंगल भी बनाएं तब भी इसका 1/2, बेस कितना हो जाएगा 4 और हाइट कितनी हो गई 20। तो देखिएगा क्या डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो आ रहा है क्या, 2 से कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम, तो ये आ गया 40 मीटर। हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना आ रहा है, 40 मीटर आ रहा है। तो पहला ऑप्शन नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, ये भी करेक्ट नहीं है। टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस भी यही निकालनी होती है आपको, बिल्कुल ऐड करते हैं आप दोनों को। अगर जो बच्चे इसका अलग अलग ग्राफ बनाते हैं तो उनको भी बता दूं, देखो आंसर वही आएगा 1/2, बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 20, कितना आ जाएगा 20 पहले ट्राइंगल का। इस दूसरे ट्राइंगल को आप देखोगे तो 1/2, बेस कितना 2, हाइट कितनी 20, फिर कितना आ जाता है 20। तो आप पूरे एक साथ एक ट्राइंगल निकालें या अलग अलग निकालें, दोनों का आंसर 40 मीटर ही आएगा। तो पहला भी करेक्ट नहीं है, दूसरा भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट आता है एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज अ कॉन्स्टेंट। तो क्या एक्सेलरेशन के लिए हमें दिमाग लगाना होगा कि एक्सेलरेशन कैसे पता लगेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप की बात कर लेते हैं तो जो स्लोप होता है वही आपको किसकी इंफॉर्मेशन देता है, एक्सेलरेशन की। देखो यहाँ एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट ये ले लो, यहाँ पर देखो क्या आपका स्लोप कांस्टेंट है,
हाँ बिल्कुल, मेरा स्लोप कांस्टेंट है, मींस एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट आएगा, बट यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, लेकिन इस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। बस ये ध्यान रखिएगा कि एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट है, मतलब इधर भी एक्सेलरेशन वही आएगा और इधर भी एक्सेलरेशन वही आएगा, बट डायरेक्शन क्या आ रही है, अपोजिट आ रही है। अगला देखते हैं, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है हमारा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट है क्या? देखो यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर इस, क्या आप सी वाले ऑप्शन को करेक्ट मान सकते हैं क्या? नहीं, क्यों नहीं मान सकते? कि भले ही एक बार आपका अगर 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो दूसरी बार आपका माइनस ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इस केस में आपका एक्सेलरेशन का अमाउंट कॉन्स्टेंट है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं रहेगा। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, देखो यहाँ पर भी हमारी डायरेक्शन पॉजिटिव थी, यहाँ पर वेलोसिटी कम हो रही है, यहाँ वेलोसिटी कम हो रही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन वही है पॉजिटिव में, वो नेगेटिव नहीं गया है, वेलोसिटी का सारा डायरेक्शन अभी पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव में नहीं गई है, तो आप यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अ कॉन्स्टेंट। किसी को डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट? मतलब सी वाले में सी वाले में बेटा, सी वाला जो आपका ऑप्शन है, सी वाले में आप क्या कह रहे हैं? देखो कांस्टेंट आ रहा है स्लोप, बिल्कुल कांस्टेंट है, ऊपर जाते टाइम भी कांस्टेंट आ रहा है, नीचे आते टाइम भी कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, और एक्सेलरेशन एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर डायरेक्शन इन्वॉल्व होगी हर केस में, इसलिए आप उसको करेक्ट नहीं बोल सकते। हाँ अगर ये सिर्फ यहाँ पर हल्का सा हिंट ये दे देता कि टॉकिंग अबाउट द जस्ट मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड वाले केस में आपका एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट आ जाता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आप। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा, अभी बाद में कराएंगे इनको, आपको इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन हम समझाते हैं एक बार पहले, फिर इसको आप ट्राई कीजिएगा। अ बॉल हिट अ वॉल हॉरिजॉन्टली विथ अ वेलोसिटी ऑफ अ 6 मीटर पर सेकेंड। लेट सपोज कि आपके पास यहाँ पर एक कोई वॉल बनी हुई है, ठीक है, और जो बॉल यहाँ पर आ रही है वो जब इससे टकराती है, टकराने के टाइम पर इसकी जो वेलोसिटी आपको दे रखी है वो दे रखी है 6.0 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर हिटिंग अ वॉल इट रीबाउंड हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ 4.4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर टकराने के बाद बॉल वापस उसी डायरेक्शन में ऐसे रीबाउंड होकर जाती है, लेकिन किस स्पीड से जा रही है? 4.4 मीटर पर सेकेंड से वापस जा रही है। ठीक है, इफ बॉल रिमेंस इन अ कॉन्टेक्ट ऑफ ऑल द सर्फेस इन अ 0.40 सेकेंड। अब कोई भी बॉल अगर किसी दीवार से अगर टकराती है, तो टकरा कर जब वापस आ रही, उस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं अपन, जस्ट जैसे बॉल यहाँ से आई, यहाँ टकराई और इधर चली गई, तो इस टकराने के कारण ही तो इसकी स्पीड में चेंज आया, तो यहाँ पर इस कितने टाइम तक ये बॉल इस वॉल के कॉन्टेक्ट में रही, वो टाइम आपको दे रखा है 0.040 सेकेंड, ये टाइम आपको दे रखा है। अब आपको इस बॉल का एक्सेलरेशन पता करना है, क्योंकि स्पीड में वेलोसिटी में चेंज आ गया है, वेलोसिटी में चेंज आ गया है तो एक्सेलरेशन जरूर होगा। मैं करवाता हूँ इसको सोल्व, जिन्होंने स्टार्टिंग अच्छी की होगी उसका आंसर भी जरूर आएगा, तो हम सोल्व कराते हैं इस क्वेश्चन को। देखो तो इनिशियल वेलोसिटी आपको यहाँ पर आ गई है 6 मीटर पर सेकेंड, अब फाइनल वेलोसिटी आपकी यहाँ पर है 4.4 मीटर पर सेकेंड, बट यहाँ पर जो जिस बच्चे ने इसको पॉजिटिव लिया होगा
तो ये जो डायरेक्शन है रिबाउंड की, ये नेगेटिव आएगी, ये यहाँ पर है इम्पोर्टेंट पॉइंट। टाइम कितना है हमारे पास, यहाँ पर टाइम लग रहा है 0.040 सेकेंड। अब कुछ नहीं करना, फर्स्ट इक्वेशन लगाओ, वी इज इक्वलेंट टू अ यू प्लस ए टी। वी आपको दे रखा है माइनस का 4.4, यू आपको दिया हुआ है 6, ए आपको पता करना है, टाइम आपको दे दिया 0.040। तो यहाँ पर आप इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 4.4 एंड माइनस का ही 6 इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई, यहाँ से अगर इस पॉइंट को हटाता हूँ तो यहाँ पर 1000 लगाते हैं हम डिवाइड, तो यह हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, क्योंकि 0.0 था तो यहाँ पर आप 40 भी लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा उसको कैलकुलेट करते हैं, तो ए इक्वल टू आ गया आपके पास माइनस, क्योंकि ये माइनस का 6.4 है और ये माइनस का 6 है, तो ये हो गया 10.4। ये 1000 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये 1000 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 1000 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड बाय आएगा आपके पास 40। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, इस पॉइंट को अगर हटाओगे तो 1 0 और आगा, तो उस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास बचता है ऊपर का माइनस का 104 × 10 / 4, इसको आप लिख सकते हैं −1040/4। माइनस का साइन 4 से कैंसिल आउट होगा 2 टाइम, तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो 2 और 4 = 24 हो गए, तो 6 टाइम जाएगा और 1 0, तो यह आ गया आपके पास माइनस का 260 m/s². इसको एक बार इधर और सोल्व कर देता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ के बाद इस स्टेप पर देखिएगा −1040 × 10 / 10, तो यहाँ पर बच गया आपके पास माइनस का 10404 / 4, तो यहाँ से आंसर आएगा माइनस का 260 m/s². कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए।